उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26813/2018 का डेट दिनांक 25 नवंबर दिन बुधवार को लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 71 जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई करेगा रीट संख्या 26813/2018 का, क्योंकि जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी का बेंच रीट सी का सुनवाई कर रहा है। रेगुलर कोर्ट है, लेकिन हम लोगों का केस नॉमिनेटेड है, इसलिए हम लोगों का केस कोर्ट नंबर 71 में ही लगा हुआ है। हमारे तमाम याची भाई और बहन 18 तारीख से जब से कोर्ट ट्रांसफर हुआ सस्पेंस में थे कि किसी दूसरे कोर्ट या रेगुलर कोर्ट नंबर 72 में न चला जाए, नीरज तिवारी जी के कोर्ट में। लेकिन तब भी हम आप लोगों से अवगत कराए थे कि ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्तर पे ऐसा न होने पाएगा न होगा। हमारा केस कोर्ट नंबर 71 में ही रहेगा और जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी की सुनवाई करेंगे। तब भी हम कहे थे और आज भी कह रहे हैं, कल हम लोगों का डेट लगा। हाँ, भर्ती बोर्ड जितना संभव था वो प्रयास किए कि किसी रेगुलर कोर्ट में हमारा केस रिलीज हो, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम तन मन धन से लगा हुआ है, क्योंकि हम एक बहस से दूर हैं। हमारा जैसा जैसे ही बहस हुआ, ऑर्डर रिजर्व हुआ, हमारा जो उद्देश्य था वर्दी लेने का पूर्ण हो जाए, और ये दिन दूर नहीं है। जब तो ईश्वर चाहे, माता रानी का कृपा रहा, हनुमान स्वामी का आशीर्वाद रहा, तो ये दिन कल भी हो सकता है। लेकिन पहले से भविष्यवाणी कर देना या ज्यादा कुछ बोल देना उचित नहीं है, इसलिए कल का हमें इंतजार करना, क्योंकि काफी डेट गुजर चुका है फाइनल बहस के इंतजार में। प्रयास में कभी कमी नहीं होने पाया है, और इस बार और भी जितना संभव था सेक्शन से लेके सारी बातें आप लोगों को अवगत नहीं करा सकता हूँ, ये हमारी मजबूरी है, कुछ इंटरनल मामला है। जितना संभव था उतना प्रयास किया गया, और अभी तक सफलता मिला भी है कि सीरियल नंबर 2 पे अपना केस लगा हुआ है। एडिशनल कोर्ट नंबर 71 में ट्रांसफर नहीं होने दिया गया रेगुलर कोर्ट नंबर 72 में, और जो एप्लीकेशन लगा था उसका भी डेट आगे बढ़ा दिया गया, जिससे कोई समस्या ना होने हमारे केस को और ना तो प्रभावित होने वाले। तो हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, ईश्वर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास किया जाता है अपने केस को बचाने के लिए, केस को जीतने के लिए, और अभी तक हम लोग कामयाब होते हुए आते हैं। और कल समस्त याची भाई और बहनों के माता पिता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा, तो हम लोग कल जरूर कामयाब होंगे और ऑर्डर रिजर्व, क्योंकि भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर राज्य सरकार पूरी ताकत लगा दी है। इतना आसान नहीं है लड़ाई जितना हमारे कुछ याची भाई बहन घर बैठ के सोचते हैं, क्योंकि हमारा जिससे सामना है वो बहुत ताकतवर है। उनके डबल ए जी जूनियर अपूर्वा हजेला जैसे अधिवक्ता हैं, और एकाध और अधिवक्ता जो इंटरनल जानकारी मिल रहा है वो और खड़ा करेंगे, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो उनका जो उनको करना है वो करें, और हमारा सिर्फ मोटा मोटा बहस बाकी है। सीट क्लियर है और अंतरिम आदेश है 4 मार्च करी फॉरवर्ड ना होने का, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी का, ये हमारे केस को लेके नहीं, हम लोग लगभग 2 वर्षों से देखते हुए आए हैं। कभी वो कैरी फॉरवर्ड के पक्ष में नहीं है, वो किसी भी भर्ती का बात मैं बता रहा हूँ।
किसी भी भर्ती के बचे हुए सीटों को वो कैरी फॉरवर्ड के पक्ष में नहीं रहते हैं, तो सबसे 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 सुखद समाचार और हमारे केस पे तो अंतरिम आदेश वो लगा चुके हैं, सीट भी क्लियर है और सभी ग्रुपों में पूरा डिटेल नहीं भेजा हूँ लेकिन इसका कुछ ना कुछ डिटेल भेज ही दिया हूँ कि सीट कितना क्या है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भर्ती बोर्ड इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है, ये सत्यता है। लेकिन हम लोग ही लगे हुए हैं और हम लोगों का जो पक्ष है वो मजबूत है, क्योंकि हमारा सत्य की लड़ाई है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, ये इतिहास गवाह है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कल लगभग 4 बजे तक आप लोग ना तो फोन करिएगा और ना तो बहुत ज्यादा मैसेज करिएगा। बस जो कर सकते हैं हमारे भाई वो ईश्वर से, भगवान से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो अपने इष्ट देवता को जरूर याद करें, जरूर प्रार्थना करें कि कल हम लोगों का बहस हो और आर्डर रिजर्व हो और हमारे पक्ष में, क्योंकि अंत भला तो सब भला, इसलिए हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हमारे समस्त याची भाई और बहनों को कल वर्दी मिलने का रास्ता साफ़। हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन अब कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए या कुछ हो जाए तो वो अलग की बात है, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा कल बहस हो और आर्डर रिजर्व, क्योंकि सीरियल नंबर 2 तक लाने में बहुत प्रयास किया गया है और ये प्रयास विफल ना हो हमारी पूरी कोशिश। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जैसे ही कोई समाचार रहेगा आपको हर ग्रुपों में किसी न किसी माध्यम से अवगत कराया जाएगा। तो आप कल 4 बजे भगवान को याद करिए, ना तो ग्रुप में मैसेज भेजिए विशेष ज्यादा और ना तो फोन करिएगा, क्योंकि कल ज्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं रहता है कि सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में इकट्ठा करना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रहती है, पैसा देने के बावजूद भी इष्टदा हर डेट में उसके बाद भी इकट्ठा करने में समस्या होता है, क्योंकि हर अधिवक्ता के पास, खासकर सीनियर एडवोकेट के पास बहुत ज्यादा केस रहता है, किसी दूसरे कोर्ट में वो बहस कर रहे होते हैं, तो उनको अपने समय पे लाके बहस कराना बहुत कठिन कार्य होता है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है और हर बहस में कामयाब भी होते हैं। तो सीरियल नंबर 2 पे लगा हुआ है, जैसे ही किसी दूसरे कोर्ट से ट्रांसफर होकर हमारे कोर्ट में आता है उसका भी आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा, और जो तो नहीं आता है तो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। 18 फ्रेश है, एडिशनल लिस्ट में हमारा 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो पूर्ण रूप से हम आशा कर सकते हैं कि कल बहस होगा और जो तो बहस हुआ तो जरूर आर्डर रिजर्व होगा, क्योंकि भर्ती को गुमराह करने बोर्ड कोर्ट को गुमराह करने का भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है बहस करने का। पुराने चीज वो रटा रटाए जो है वही वो प्रवचन करेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट को सिर्फ गुमराह करेंगे, हमारा समय व्यतीत करवा रहे हैं, इससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। और जो नियमता है कि एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट अभी तक लगाए हैं उसी पे बहस होगा। ये तो ऐसा कुछ वो करते हैं तो जवाबी कार्रवाई भी बहुत जबरदस्त होगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस कल का हमें इंतजार करने की जरूरत है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कल बहस हो और जजमेंट रिजर्व हो, समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी मिले। जय हिंद, जय भारत।